दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सुंदर सा एक गला बनाने वाले हैं, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। तो हम ये पेपर पेस्टिंग में गला काटेंगे। तो इस तरह हमने ये ड्राइंग कर लिया है इस शेप में। अब यहाँ से जो हम लोग पैच लगाएंगे, इसे 5 इंच, 5.5 इंच लंबा देंगे, 5 इंच दीजिए लंबा इसका। उसके बाद यहाँ से हम लोग एक डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए दे रहा हूँ। इसका परफेक्ट निशान मैं बाद में लगाऊंगा। ऊपर की चौड़ाई जो है उसे 5.5 इंच दीजिए, 3.5 इंच मतलब। और यहाँ से एक बार डीप नाप लीजिए, जितना भी डीप है आपका यहाँ से। अब इस गले को हम लोग पहले राउंड गला, जैसे दाग लगता है, निशान लगता है, उसी तरह राउंड निशान लगा ले अच्छी तरह से। फिर उसके ऊपर से इस तरह एक, और ये एक, दो, यहाँ पर बहुत सारा निशान हो गया है। तो हमें इस ब्लू निशान पर हमें कटिंग करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसे हम लोग कटिंग करेंगे, तो चलिए फटाफट काट लेते हैं इसे। ये गला देखिए हमने काट लिया है। और इसके अंदर का जो हिस्सा है इसे ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस मार्के पर हम लोग इसे काट लेंगे इस तरह। इसे काटने के बाद खोल कर देख ले एक बार, बस इसी तरह हमें इस तरह लगा देना है। और इसकी डीप 6.5 इंच, ठीक है, आपका जितना भी डीप है उसी हिसाब से लगा ले निशान। अब इसकी बाहर की मार्जिंग 1/2 इंच रख कर पूरा काट ले अच्छी तरह से, और फिर इस तरह एक कपड़े में रख कर प्रेस से चिपका लें इस तरह। साइड की मार्जिंग भी मोड़ ले। और फिर ये सामना फ्रंट पीस है, इसके ऊपर में हमने 5.5 इंच का निशान लगा कर रखा है। और ये सेंटर का दाग आप देख सकते हैं, ऊपर में दोनों मिला ले अच्छी तरह से, और फिर यहाँ सेंटर में भी, और फिर इस पर सिलाई मारकर इसे प्रेस से इस तरह बैठा ले, जैसा कि हमने पहले बैठा लिया है। अब जो ये पैच है इसे भी हमने एक पैंट के कपड़े में चिपका कर रखा है, और फिर इसे इस तरह हम लोग एक बराबर कपड़ा काट कर इसे नीचे रखेंगे और इस पैच को ऊपर रखेंगे। इसे इस तरह रखने के बाद इस डिज़ाइन के ऊपर हम लोग सिलाई लगाएंगे, जितना भी चौड़ा हमें पाइपिंग चाहिए उतना ही चौड़ा ये हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसकी मार्जिंग हम लोग काट लेंगे। मार्जिंग काटने के बाद इसके हर कोने पर एक चटका लगा लें, चटका बोकरम तक ही लगाएं, और फिर इसे इस तरह पलटा लें। पलटाने के बाद आपका ये पाइपिंग इस तरह तैयार हो जाएगा। आप इसे अच्छे से प्रेस से बैठा लें। प्रेस से बैठाने के बाद अब इस पर हम लोग गला अटैच करेंगे। ये पैच है और ये गला, जैसा कि पेस्टिंग हमने काटा था फिक्स, आपको पेस्टिंग का निशान दिख रहा होगा, फिर भी एक बार डीप नाप लें और फिर चारों तरफ से सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद इस तरह हमने ये 3 बटन यहाँ पर लगाना है, तीनों बटन लगा लें, और फिर ये डिज़ाइन हम लोगों का कंप्लीट हो गया।